वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। आज जब चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछता है तो चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की तैयारी की जाती है। भैया क्या कसूर है चिराग पासवान का, क्या कसूर है? यही कसूर है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में ही बिहारी युवाओं के रोजगार मिलने की बात करता है, बिहार में उद्योग खुलवाने की बात करता है, बिहार की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, किसानों के अधिकार की बात करता है, मजदूरों के अधिकार की बात करता है, बुजुर्गों के सम्मान की बात करता है, और सिर्फ इसी कसूर से, इसी कसूर की वजह से बड़ी बड़ी शक्तियां एकजुट हो गई है चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। बड़ी बड़ी ताकतें लगी है कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए, कैसे करेंगे भैया। चिराग पासवान के पास ना कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोर्ट कचहरी में हमारे खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, तो रणनीति तैयार की गई कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर रणनीति तैयार की गई कि चिराग पासवान को इसके घर के बाहर इसका सामान, इसकी बूढ़ी नानी, इसके माँ के साथ इसका सामान सड़क पे फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने मुझे मेरी ही पार्टी से, रणनीति के तहत मेरी ही पार्टी से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया ताकि चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं भैया चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। ना मैं टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूँ। हकीकत है सर पे कफन बांध के निकला, कफन बांध के निकला हूँ कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। हकीकत है कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता, चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बन के गांव गांव घर घर जाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान।